वीरों, कैसे हो? तो आज हम देखेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 के क्लास 9th के आने वाले सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज यानी कि SST के सिलेबस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मैथ और साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्या चीजें आने वाली हैं और क्या की चीजें नहीं आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारी चीजें देख लीजिए। क्योंकि एग्जाम के पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्या क्या आएगा, इररिलेवेंट चीजें ना पढ़ जाएं, इसलिए सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस लिमिटेड लेवल का है। बस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। जीके में अगर गलती क्या कर रहे हैं लोग, जीके में जितनी भी बुक जो भी उनके पास जीके की बुक है वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पेपर के एनालिसिस के हिसाब से, पिछले 10 सालों के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से और ऑफिशियल पैटर्न के हिसाब से, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। भले ही मैंने बोर्ड पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में हिंदी में भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है ये, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जान लें कि सिलेबस में उनके क्या आने वाला है। इसलिए आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके कि क्या क्या चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो SST में यानी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का जो पहला टॉपिक है वो है हाइएस्ट लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत में और संसार में क्या चीज है जो सबसे ऊंची है, जो सबसे लंबी है या फिर जो सबसे बड़ी है। यानी कहने का मतलब है कि भारत की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, एशिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, इसी तरह से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, पहले टॉपिक से ये आपके पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जो आता है वो होता है फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व का पहला व्यक्ति। यानी पहला व्यक्ति का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन। अब ये वर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पूछेगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, यानी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सेकंड टॉपिक से आएंगे। थर्ड टॉपिक जो आया है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत से और संसार से, दो चीजें पूछ रहा है ना, भारत से और संसार से। लेकिन आपको ज्यादा चीजें पढ़ के जानी है भारत से ही, क्योंकि भारत के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, संसार के क्वेश्चन कम आते हैं। तो थोड़ी चीजें केवल नॉलेज में रखिएगा, बहुत ज्यादा याद रखने करने की जरूरत नहीं है। तो भारत की चीजें याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, इस तरह की चीजें, है ना, भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, या जो चंद्र पहली महिला जो चंद्रमा पे गई, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके इस थर्ड टॉपिक से आएंगे। चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजों को, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। 50, 60, 100 क्वेश्चन का ऐसा मैं से कोई टेस्ट सीरीज बना दूंगा जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि 2020 का जो बीता हुआ साल है उसके क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। आने जो भी अभी हाल ही में जो महीने दो महीने में हो रहा है, जिसके क्वेश्चंस आने बहुत ही मुश्किल हैं क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, तो इसलिए एक जो 2020 का करंट अफेयर्स है, ठीक, समसामयिक घटनाएं जो हैं, जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही हैं बहुत ही चर्चित, उनके बारे में क्वेश्चंस यहां पर होंगे। अगला फिफ्थ क्या है, बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ यूपी, क्योंकि ये सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में है। तो दो चीजें याद रखिएगा, एक तो बेसिक नॉलेज ऑफ वाराणसी, ठीक है, तो दो चीजें यानी उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य ज्ञान और वाराणसी के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि BHU और CHS इन दोनों कॉलेज और स्कूल्स के बारे में, कि इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसने इसको बनाया था, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो, बनारस में कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह घूमने वाली है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, या फिर यहाँ के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आएंगे। अगला जो टॉपिक आता है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट,
यानी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, या फिर उनका चुनाव कैसे होता है, कितने सालों के लिए होते हैं, उनके जो कैबिनेट है यानी जो मंत्रालय है उसमें अलग अलग विभाग के लिए कौन कौन से विभाग हैं और उनके मंत्री कौन है यानी मंत्रालय किसके पास है, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो ये एक से दो पन्ने का एक चार्ट मिल जाएगा आपको जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतनी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। अगला एक चीज आता है, एक टॉपिक आपका है फेमस बुक्स एंड राइटर, यानी कुछ बुक्स होंगे जैसे कि आपको दे दिया गया कि द जंगल बुक, द जंगल बुक एक बुक है ना, मोगली वाली फिल्म तो देखी होगी ना, तो द जंगल बुक के राइटर कौन है, या हैरी पॉटर के राइटर कौन है, इस तरह के क्वेश्चन भारत में अगर आ जाएगा तो आ जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, इस तरह के जो भारत के क्वेश्चन होंगे, या फिर आ जाए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसके राइटर कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो इससे, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी 15-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता दिए जाएंगे, वहां से आपकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी, फिर भी आप अपने पास से जितना हो पाए उतना याद करते रहिए। अगला जो टॉपिक आता है 9th वह है अवार्ड एंड फील्ड्स, यानी जो पुरस्कार दिए जाते हैं और क्षेत्र उनका, ठीक है, किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है पुरस्कार, इस साल किसको वो पुरस्कार मिला है, ठीक है, जैसा अगर ये पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है, सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो इस तरह की, या किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाए उससे पूछ लिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें इस क्वेश्चन इस टॉपिक में आ सकते हैं। अगला जो आता है, यहां से आपका SHT शुरू होता है, इसमें आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके बारे में, क्योंकि ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है ना, ये अर्बन सिविलाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर है, किसने इसकी खोज की थी, कब इसकी खोज हुई थी, यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, इस तरह की चीजें हमको इसमें पढ़नी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक से दो वीडियो में ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आता है वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, बहुत ही डीपली पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो इसके बारे में कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया, कितने वर्ष किया में इन्होंने घर छोड़ा, यही सारी चीजें, महावीर स्वामी के बारे में भी, इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके पुत्र का क्या नाम था, इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, तो काफी सारी चीजें मैंने पढ़ा भी दी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से बता देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाओगे वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इजिली इन चीजों को तैयार कर सकोगे। अगला जो टॉपिक आता है वो है 12, वो है मेजर बैटल ईयर्स, यानी जो प्रमुख लड़ाइयां हुई थी उनके वर्ष, ये नहीं पता करना, केवल उनके वर्ष पता करना, ये नहीं कब मतलब किसके बीच हुई थी, ये तो आप जब सन पढ़ोगे तो वहां पर बता दिया जाएगा अगर आएगा तो भी, कुछ प्रमुख लड़ाइयां हैं, सारी लड़ाइयां नहीं याद करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे उन्हीं के बारे में आपको उनके ईयर बताने हैं, ओके। अगली चीज आती है जो 13 है वो है किंगडम एंड डायनेस्टी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंगडम एंड डायनेस्टी मतलब कौन कौन से वंश हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से राज्य थे, जैसे 16 महाजनपदों के बारे में, मगध राज्य के बारे में, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, और जो मौर्य वंश थे, गुप्त वंश और सेन वंश, तो मतलब काफी सारे वंश हैं उनके बारे में, बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि UPSC का एग्जाम नहीं देना है आपको, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, तो उतनी चीजें पढ़नी है जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, 14 टॉपिक आती है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया, मतलब भारत की जो परंपराएं हैं, ठीक है, जो सभ्यताएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, मतलब इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जैसे अगर ये पूछ लिया जाए बिहू, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है ना, कहाँ का बिहू फोक डांस का है, किस स्टेट का है, तो इसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं,
या फिर ये पूछ सकता है नौटंकी कहाँ का फोक डांस है, लोक नृत्य है, इस तरह के क्वेश्चन है ना, कि कौन सा ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर लोहड़ी जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके टॉपिक 14 से होंगे, ठीक है, संस्कृत और जो सभ्यता है इससे, सामाजिक सभ्यता इसके, ठीक है। अगला 15 आता है सोलर सिस्टम, ये साइंस में भी आपके हैं। सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कि कौन सा कितने ग्रह हैं, ग्रह की क्वालिटी के बारे में पढ़ना, उनके कितने उपग्रह यानी कितने सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स कितने हैं, उनके सैटेलाइट्स कितने हैं, और ये कहाँ पर लाइफ है, कहाँ पर लाइफ नहीं है, कहाँ पर पानी मिला है, किस प्लेनेट तक पहुँचा जा सका है, कहाँ तक नहीं पहुँचा जा सका है, इन तरह की चीज़ों के बारे में, किस प्लेनेट का पर दिन कितने दिनों के होते हैं या रात कितने दिनों की होती है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम पढ़ना है, ये आपके साइंस का भी चैप्टर है। उसके बाद 16 से जो टॉपिक आता है वो है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है, कि अर्थ का मतलब ये पूरी अर्थ, नीचे और ऊपर दोनों चीजें, ठीक है। ये अगर जमीन बात करेंगे तो जमीन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर कितनी लेयर है, नीचे ऊपर की तरफ जो ओजोन है वो उसके वहां देखेंगे तो अर्थ के बाहर जो हमको प्रोटेक्ट करती हैं तो वहां पर कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हमें, अर्थ के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है, तो बहुत ही ज्यादा डीपली नहीं जाना है किसी चीज में। यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी अभी, क्योंकि अभी आपको सीएचएस क्वालिफाई करना, उसके बाद यूपीएससी आपका टारगेट भले ही हो, लेकिन अभी आपको उसके बारे में तैयारी नहीं की, अभी आपको टाइम कम है, तो इतनी चीजें लिमिटेड चीजें हैं जिसके बारे में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इन सभी चीजों के आपके वो नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो क्लास से लेक्चर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कहाँ पर मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर, जनरली आपको ज्यादा चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, बाकी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ उन बच्चों को भी बताना देना चाहता हूँ जो कि क्लास 8 में है और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी क्लासेज शुरू है, मैथ इंग्लिश वगैरह ये सारी क्लासेस सेम है, जो सीएचएस की है वही सेम पैटर्न नवोदय का है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस ना कीजिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि 2022 के एग्जाम आपको ज्यादा आपके लिए बोझ ना बन पाए, वो भी आपके लिए इजी हो जाए। साथ ही 8 के भी मैथ और क्लास 9 का जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसका भी सोल्यूशन बताया जा रहा है, तो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको पर्सनली सपोर्ट मिलेगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये तो था, बाकी आगे का जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बचा है वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। तो चैनल सारी अपडेट्स पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी नई क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर जरूरतमंद को मिलनी चाहिए ये सारी जानकारियाँ, ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।